दोस्तों 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। ऐसे में सरकार जनता को लुभाने के लिए अब हर एक संभव प्रयास कर रही है। हाल ही में आपने नोटिस किया होगा कि बीजेपी सरकार ने रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपए की कमी की है। पर क्या आप जानते हैं कि साल 2021-22 में इसी मोदी सरकार ने पेट्रोल के दामों में 78 बार और डीजल के दामों को 76 बार बढ़ाया था। इस बात की जानकारी खुद पेट्रोलियम मंत्री ने राज्यसभा में दिया था। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी सरकार से रिटर्न में ये जवाब मांगा था कि सरकार बताए कि करंट फाइनेंशियल ईयर और पिछले साल पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कितनी बार बढ़ाया गया था। जिसके बाद बीजेपी सरकार में पेट्रोलियम मंत्री रहे रामेश्वर तेली ने एक रिटर्न जवाब में इस बात की जानकारी दी कि पिछले साल 2021-22 में पेट्रोल की कीमत 78 बार बढ़ाई गई थी, वहीं डीजल की कीमत में भी 76 बार बढ़ोतरी की थी। बीजेपी सरकार के इस जवाब को राघव चड्ढा ने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा था कि बीजेपी सरकार लोगों का पैसा लूट रही है, क्योंकि सिर्फ एक साल में पेट्रोल के दामों में 78 बार और डीजल के दामों में 76 बार बढ़ोतरी की गई है। तो क्या आपको भी यही लगता है कि रसोई गैस की कीमत में 200 रुपए की जो कमी की गई है वो आने वाले लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए किया गया है? आप हमें अपना जवाब कमेंट में बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।